Radhe. वेदांत में उपासना के लिए कई सूत्र बना दिए गए हैं। आसीन संभवा ध्यानाच अचलत्वं चापेक्ष, आप सावधान होकर के बैठ जाइए। देखिए यहां पर भी आप लोग जो लापरवाही से बैठते हैं, खास तौर से रात को और सवेरे साल फोड़ के और हाथ को भी अंदर करके, तो थोड़ी देर उनको वो अच्छी लगी, गर्माहट आई, जरा अच्छा लगा और सो गए। अब महाराज जी कहते हैं, हे सो रही है, आप तो भ्रम हो गया है, मैं कहां सो रही हूं। तो ये इसलिए होता है कि आप सावधान होकर नहीं बैठते, सावधान होकर के बैठना। तो जब सावधान होकर के आप एकांत कमरे में बैठेंगे और जैसा मैंने बताया रूप ध्यान करेंगे और साथ में कोई महापुरुष का पद भजन ले लीजिए या नाम कीर्तन कीजिए, आपको जो पसंद हो, और आंसू बहाइए, उनके दर्शन की, प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुलता बढ़ाइए, ये तो आप करेंगे। लेकिन ऐसा करते हुए भी अगर मन वो रूप ध्यान जो बना रहा है उसकी जगह पर आपकी मां के पास ले गया, मन पहुंच गया, बाप के पास पहुंच गया, बीवी के पास पहुंच गया, पति के पास पहुंच गया और कहीं भाग गया मन, क्योंकि उसको अभ्यास है, तमाम कितनी देर तक उसे कृष्ण का ध्यान कर। तो जब आपका मन कहीं जाता है तो आप गुस्सा करते हो, ये बदतमीज फिर भाग गया, और जब गुस्सा किया तो मन और विक्षिप्त होता, ये उल्टी दवा हो गई, बीमारी बढ़ाने वाली, जाने दो, चुपचाप छोड़ दो मन को, कहां जा रहा है, तो जा रहा है ताजमहल देखने। अच्छा चलो, ताजमहल देखा मूनलाइट में, क्या चमक रहा है, हाँ हाँ देखो, और उस ताजमहल के चमकते हुए पत्थरों के ऊपर वो श्याम सुंदर खड़े, अब देखो ताजमहल, कौन रोकता है। मां की आंख बड़ी अच्छी लगती है, बीबी की आंख अच्छी लगती है, उसी आंख में तीन जगह से टेढ़े श्याम सुंदर को खड़ा कर दो और देखो उसकी आंख को लगातार, अब दुनिया समझे कि ये तो हो गया लैला मजनू वाला अवतार फिर। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, गुस्सा नहीं लाना है, शांति के साथ ध्यान करो, जहां मन जाए वहां मनमोहन को खड़ा करो। तो जैसे कोई बाजीगर जब बंदर को कंट्रोल करता है तो उसका तरीका यह है कि पहले 100 फुट के रास्ते में बांध देता है बंदर को, वो 100 फुट के आगे जाना चाहता है बंदर तो गले की रस्सी गला दबाती है, जब दर्द होने लगता है तो कहता है बेकार है, 100 फुट में ही कूदेंगे अपन, तब 50 फुट की रस्सी कर देता है। अब वो 100 फुट जाना चाहता है तो वहां तक तो हम कल जा रहे थे, आज हमारी इतनी अवधि हो गई, लेकिन फिर जब जाने की चेष्टा करता है तो गले की रस्सी कष्ट देती है,
150 फुट में उछल कूद करता है। यो करते करते जब एक फुट की रस्सी में कर देता है बंदर को, तो बंदर आराम से बैठ जाता है। कौन फालतू खोपड़ा भंजन कर रहे, अपन बैठो। यही बंदर के स्वभाव वाला आपका मन है, परम चंचल। इसको भी आपको श्याम सुंदर की रस्सी में बांधे रहना है, चाहे निकल जाए जाने दो। कोई गंदी से गंदी जगह में जाए जाने दो, पखाने में जाए, और गंदगी में जाए, वेश्यालय में जाए जाने दो, वही श्याम सुंदर खड़ा। ये थोड़े दिन जब अभ्यास करोगे तो मन कहेगा बाहर जाए जाने से, वहां भी वही जब सब जगह खड़े होते हैं तो आप नहीं हो, क्या फायदा। वो थक जाता है, हार जाता है। हमारे यहाँ गांव में बैल जोते जाते हैं, खेतों में जुताई होती है बैलों से। ये जब बैल नहीं होते हैं, बछड़े के रूप में होते हैं, और उनके ऊपर कोई हल रख दे, वो उछाल उछाल मारते हैं कि कई मजदूर तो घायल हो जाते हैं। यानी हम ये बोझा ढोने के लिए छोड़े हुए हैं, रखन से हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये क्या बात है जी? ये बात कब तक होगी? तो ये करते हैं कि दो बैलों के बीच में एक मोटी लकड़ी बांध देते हैं किसान लोग, और सड़क के ऊपर उसको 4 मील 6 मील चलाते हैं। अब भागो, वो मोटी लकड़ी है, उसको कहले के भाग सकता नहीं, ज्यादा थक जाता है। तब थक करके धीरे धीरे चलने लगता। ये 4-6-10 दिन इस प्रकार का अभ्यास कराता है किसान। उसके बाद फिर हल रखता है तो समझ लेता है धीरे धीरे चलना है। और सारी इंडिया में देखो गांव में खेती होती है लाखों बरस से, और वो कितने ढंग से चलता है कि जरा भी अंतर न हो लाइन से लाइन में। हर काम बैल मनुष्य से अधिक बुद्धिपूर्वक करता है। आप लोग बारीकी से कभी देखे तो, लेकिन प्रारंभ में वो भी उद्दंड था। ऐसे ही ये मन चंचल है, लेकिन अभ्यास ऋतु कौन तेज वैराग्य गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इस पर कंट्रोल होता है, हुआ है। अनंत जीव हमारे भाई लोग महापुरुष बने हैं। अरे कोई नई डॉक्टर तो नहीं बनने जा रहा है कोई? अनादिकाल से अनंत महापुरुष हुए, बड़े बड़े पापात्मा, बड़े बड़े सरफिरे, हम भी उन्हीं में एक है। अरे श्रम करे, ठीक है, एक जन्म में हम नहीं पार होते हैं, 2 जन्म लग जाएगा, 10 लग जाएगा, बाबा पहुंचना तो वहां पर है, उसके बिना काम तो चलेगा नहीं। अगर हम कहते हटाओ झगड़ा तो पड़ो झगड़े में, 84 लाख का फिर ये झगड़ा तो बड़ा भयंकर है। ये जो बकवास करते हैं लोग, भाई हमारा क्या है, 70 बरस के हो गए हम तो, हमारा तो सब हो गया, अब क्या है, 4 दिन का मामला है, उसके बाद छुट्टी। अब बेटा तुम सोचो, तुम्हें जिंदगी पार करनी है, और पिताजी आपको क्या छुट्टी है उसके बाद? अरे छुट्टी, मर गए छुट्टी, भस्मी भूतर से देहर से पुनरागमन अंकुता। 4 बाग सिद्धांत वाले हैं आप क्या? रह रहे हम तो आस्तिक है, रामकृष्ण को मानते हैं, फिर आप कैसे कहते हैं हमारी तो छुट्टी? अरे छुट्टी माने मुक्ति, वो तो भगवत प्राप्ति पर होती है, छुट्टी कहां मिलनी है? अरे ये शरीर छोड़ा, उस शरीर में गए, उस शरीर में गए, मानव शरीर आपको भार लग रहा है, लेकिन ये मानव शरीर तो अकेला है भाग्यशाली शरीर, बाकी तो एक कम 84 लाख भोग योनियां है। तो इस प्रकार अगर हमारा मन कहीं जाए तो वहां श्याम सुंदर को खड़ा करने का अभ्यास करो, ये एकांत की साधना है। और इसके अलावा भी जितना भी समय आपको चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक अभ्यास कीजिए। 1 घंटे बाद पहले अभ्यास कीजिए कि 4 बज गए हैं, 5 बजे हम श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे।
अब आप काम कीजिए, आप इसमें 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 6, 24 अपना काम कीजिए। 5 बज गए, 5 बज गए, क्या कोई ऑफिस ये कह सकता है घड़ी की ओर क्यों देखो? या तुमने सर क्यों खुजाला? या तुमने सिर ऊपर क्यों किया? ये सब करते हैं लोग। तो उतनी देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए हमने ऑफिस में बैठते ही, दुकान में बैठते ही एक जगह बना ली, हमारे श्याम सुंदर यहां खड़े हैं, आकाश में बना ली, चाहे जमीन पे बना ली, चाहे मेज के ऊपर बना ली, मन से यहां श्याम सुंदर बैठे खड़े। अब काम करो, 1 घंटे बाद खड़े काम कर जाओ, खड़े। अब 1 घंटे के अंदर जो गड़बड़ आपकी चल रही होगी वो ब्रेक लग जाएगा। श्याम सुंदर खड़े हैं, देख रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, होशियार। अब 1 घंटे से फिर आधा घंटे पे आ जाएगी, आधा घंटे बाद वो खड़े, उनका ध्यान मत करने लग जाइए, आंख कैसी है, कान कैसी है, ये नहीं करना है। केवल ये फीलिंग कि वो खड़े हैं, मैं अकेला नहीं, मेरी प्राइवेसी जो है हमको सर्वनाश कर रही है, हमारा ये प्राइवेसी खत्म करना है। ये जो हम लोग सोचते हैं ना, हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, अब भगवान सब नोट करता है, ये भी बोलता जाता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ ये है उसकी कि हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। तो ये जो हमारी गलत भावना है, नास्तिकता जिसे कहना चाहिए, ये समाप्त हो जाए। ये आधा आधा घंटे के बाद 15-15 मिनट पर, बस 1 सेकंड, हम आपका टाइम नहीं खराब करते, न किसी को मालूम पड़े आप उसमें। आंख हमने जरा सहयोग कर दिया कि आप सुंदर खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं, बस केवल ये फीलिंग, हम अकेले नहीं है, हम दो हैं, सदा दो हैं। ये चलते फिरते हर समय का अभ्यास आपका होना चाहिए।